क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज यहाँ पर मौलाना जी से भी मुलाकात किया, आपने कुछ डोनेशन भी दिया मस्जिद में आके, तो क्यों दिया गया, क्या कारण था? तो आज मकबूल फ़िदा जी का 105वां जन्मदिन है और वो मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट में से है, मेरे पूरा परिवार उनको बहुत पसंद करता है, तो मेरे ये उनकी जो लाइकिंग है उनके लिए, उनके पेंटिंग के लिए, उनके आर्ट के लिए मेरे दादू से शुरुआत हुई थी और वो प्यार हमारे परिवार में सिर्फ बढ़ता गया है। और अभी हाल ही में मैंने मेरी पहली कमाई की है और वो कमाई से मैंने उनकी एक आर्ट वर्क उनका मैंने ख़रीदा है और उसके बाद मैंने सोचा कि उनकी याद में उनके मस्जिद में एक दिया जाए, तो आज मैं इसी कारण ज़िया बदरबाग मस्जिद आया हूँ और उनकी याद में मैंने मौलाना जी को 50,000 रुपये का डोनेशन दिया है जो उनके कम्युनिटी के भलाई के लिए इस्तेमाल होएगा। आगे इस तरह के आप डोनेशन करते रहते हो इनके हर एक साल पे, कैसा कुछ? हमारी इच्छा है हम आगे भी करते जाए और तरक्की हो सबकी और जो मकबूल जी का भी नाम है वो और दुनिया भर फैले और उनका जो आर्ट है वो ऑलरेडी पूरी दुनिया पसंद करती है और आगे भी लोग करते रहे। इस तरह से इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए, ये आपके दिमाग में कैसे आया? तो ये वापस मैं बोलूँ तो मेरे पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा मकबूल जी का आर्ट पसंद है और एक दिन मैंने अभी हाल ही में जो मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी पहली पेंटिंग खरीदी है, उसी याद में मैंने सोचा कि अभी पेंटिंग तो मैंने खरीद ली पर अभी उनको कैसे वापस दिया जाए, उनका मैं कैसे धन्यवाद करूँ, अभी वो इस दुनिया में नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि उनके कम्युनिटी को ये दिया जाए। अच्छा, अगर बात करें तो आपकी सिस्टर भी आई है, तो सिस्टर का भी थॉट कहाँ से आया कि आज हमको ये करना है, कुछ आपस में आप लोगों की चर्चा वगैरह कुछ? तो हमारा परिवार जब भी मिलता है साथ में डिनर खाता है, हमारी बात हमेशा आर्ट पर ही होती है और सिंस मकबूल जी हमारे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट में से एक है तो सबसे ज़्यादा हम उनकी ही चर्चा करते हैं और इसलिए तो जब हम एक दिन डिनर टेबल पर बैठे थे तो ये बात हमारे मन में आई कि हम मकबूल जी का धन्यवाद कर सके और कम्युनिटी को वापस दे सके, तो इसलिए आज मैं और मेरी बहन आए हैं और उनके याद में हमने दिया है। और हाल ही में मैंने जैसे बताया कि मैंने मेरी सबसे पहली पेंटिंग खरीदी, थोड़े टाइम पहले भी मेरे बहन ने भी ब्लू बॉय ऑन ट्री टॉप सदवी इंटरनेशनल आर्ट ऑक्शन से खरीदी थी और इसलिए आज हम दोनों साथ में आए और उनके याद में हमने ये डोनेशन किया है। अच्छा, बात करें तो आप कुछ स्पीच भी देने वाले थे, तो वो स्पीच क्या है जो लोगों को प्रेरणा देगी, उत्साह देगी? हाँ जी, तो वो मैं आपको देना चाहता हूँ। सो मकबूल फिदा हुसैन, बेटर नोन एज MF हुसैन, इज वन ऑफ इंडियाज फेवरेट आर्टिस्ट फॉर एग्जीक्यूटिंग बोल्ड वाइब्रेंट कलर्ड नरेटिव पेंटिंग्स इन अ मॉडर्न क्यूबिस्ट स्टाइल एंड टुडे हैपेंस टू बी हिज 105th बर्थडे विच हैज़ गॉट मी टू हिज मॉस्क ज़िया एट बदरबाग। हुसैन साहब व्हेन फर्स्ट केम टू मुंबई स्टेड इन बदरबाग एज यू कैन सी बाय द सराउंडिंग एरिया। टुडे आई मेट विद मौलाना गुलाम हुसैन to whom I donated an amount of ₹50,000 in the memory of Hussain Saab and hopefully will continue to do so every year. Further, I am even in touch with Maulana Ji in Delhi at Nizamuddin where Hussain Saab again visited a lot and over there also I have done a donation. Further, his narrative paintings executed in modern Cubist style can be caustic and funny as well as serious and sombre, which really appeals to me. His themes, sometimes treated in series, include topics as diverse as Gandhi, Mother Teresa, the Ramayana, the Mahabharata, the British Raj, and motifs of Indian urban and rural life. Thank you.